हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। आज हम बाइनोमियल थ्योरम में जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा, तो आज हम इस वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो शॉर्टकट क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, C0, C1, C2 या 2×2 में हो जाते हैं, समझ रहे ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करें ये मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही इजी शॉर्टकट है, बहुत छोटा सा शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको बोलेंगे नहीं। और आप सारे क्वेश्चन मिनटों में सेट कर दो, मतलब सेकेंड में आप सॉल्व करके और आप उसको आंसर निकाल दोगे। तो देखो आपको हर किताब में दे रखा होगा C0, और C0 का मतलब आप जानते हो ना NC0, और C1 का मतलब NC1। ये होता है मतलब पूरी बड़ी सी C1 आ देते हैं इसको, और ऐसे करके C1 लिख देते हैं, C2 C3, यानी क्या हो जाएगा NC3। N ऐड कर देते हैं सिंपल ही C4, तो दैट इज पूरी फंक्शन किसका होता है, 2n के बराबर होता है। अब देखो शॉर्टकट क्या है, आगे देखो ये C0 C2 C4 ये क्या है, इवन डिजिट में चल रहा है, 2n-1 हो जाएगा। और डिजिट के लिए 2n-1, अगर इनमें क्या हो जाए, मैं 2 मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, 3 इसमें करता हूँ, 4 इसमें करता हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। या मैंने क्वेश्चन आपको एक लिख रखा है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछी मैंने, क्या देखा C1। अब C1 क्या है, वही NC1, क्लियर है ना, डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये होगा, क्लियर है ना। अब C3 डिवाइडेड बाई 4, C5 डिवाइडेड बाई 5, डेटेटस आगे तक मुझे ये ऑप्शन दे रखे, इनमें से मैं कैसे फाइंड करूंगा। इतना सॉल्व तो करने की जरूरत नहीं, आपको एक छोटा सा लॉजिक शॉर्टकट लगाना है, वो क्या रखना है, आपको n की वैल्यू पुट कर देनी है 2। क्या पुट कर दोगे, n = 2, बस इसको पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो पहली चीज, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको पहले इस वीडियो को शॉर्टकट को बताने से पहले, वो जो C होता है ना, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन के लिए C यूज करते हैं, परमुटेशन के लिए P यूज कर देते हैं, P हम यूज नहीं कर रहे हैं, C यूज कर रहे हैं इस पूरे बाइनोमियल थ्योरम में। तो सिंपल सी बात ये थी, जब C यूज करेंगे तो C का मतलब था हमारा चूज करना। कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, किसी भी चीज को चूज करें, कि मान लीजिए चूज, और परमुटेशन मतलब होता है हमने कोई चीज चूज कर ली उसमें से, उसके बाद में क्या करते हैं उसको अरेंज कर रहे हैं, क्लियर है ना। चूज करेंगे, अगर चूज कब कर सकते हैं हम किसी चीज का, अगर सेलेक्ट करना है चूज करना है, कि मतलब ये किसी टेबल लगी हुई है, 5 टेबल लगी हुई है, मैं क्या कह सकता हूँ, या तो 5 में से 3 लिया या 5 में से 1 लिया हो, क्लियर है ना, उन 5 टेबल में से या 5 की 5 टेबल्स को उठा लो, मैं जो भी सेलेक्ट करूँ, या तो 5 की 5 सेलेक्ट कर लो, या फिर मैं से 2 सेलेक्ट करूँ या 1 सेलेक्ट करूँ, क्लियर है ना। या फिर आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो 5 में से 6 सेलेक्ट कर लो, 6 सेलेक्ट कभी नहीं कर सकते हो, क्लियर है ना। तो एन से हमारा जो आर होगा, नीचे वाली जो वन होगी 1, 2, 3, एनसीआर बोलते हैं ना इसको, एनसीआर। तो जो एन होता है वो हमारी कंप्लीट होती है, कि 5 के बाद लिख दो, आप जो 5 में से 2 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, आप 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, क्लियर है ना। लेकिन हमारा कहां तक बैठ सकता है, 5 तक ही रहेगा, 6 कभी नहीं हो सकता, मतलब समझिए आर ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता एन से। तो रूल क्या होगा, हमेशा एन ग्रेटर देन रहेगी या इक्वल टू रहेगी, एन ग्रेटर देन रहेगी या इक्वल टू रहेगी आर के, समझ गए ना, बराबर रहेगी, 5 है तो 5 के बराबर ही आप उसको बोलोगे, क्लियर है ना। पहली चीज आप समझ चुके हैं कि हम क्या नहीं रख सकते, आर को ज्यादा नहीं रख सकते। और दूसरी चीज, हम आधा या कोना, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, आधा कर लो 1/2, एनसीआर एनसीआर को क्या बोले, एनसी 1/2, आधी भी हम नहीं लेंगे, 1/2 ही कौन। तो सिंपल आप देखो सॉल्व कर, मैंने क्या कहा था, एन इक्वल टू क्या पुट कर दो, 2 पुट करो, हर क्वेश्चन में आप क्या पुट करोगे, एन इक्वल टू 2 पुट करो, क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, देखो ये क्या है, NC0, सिंपली हम क्या बोल रहे हैं, NC0 है ना, एन इक्वल टू पुट किया क्या मैंने, 2 2C0 प्लस, यहां सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, यहां क्या हो जाएगा, 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2, यहीं तक रखेंगे। अब देखो 2C3 तो रह नहीं सकता, इसको तो चूज करेंगे नहीं, क्योंकि ये 2 कम रहेगा और आर हमारा ज्यादा होगा, हम कहां तक चूज करेंगे वही बताने के लिए मैंने आपको बताया, सब ए वाली डिजिट हम सॉल्व करेंगे, एन इक्वल टू जब हमने 2 पुट किया, बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा, उस सारी सारी डिजिट ले लेंगे। अब देखो NC2C0 हमेशा 1 के बराबर होता है, अब सॉल्व ही कर लेना, फॉर्मूला पता ही होगा, 2 फैक्टोरियल और 0 के क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 0 फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है,
1 होता है, क्या रखना, 0 फैक्टोरियल कभी 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा 1 होगा, क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, 2c1 हमेशा 2 के बराबर रहता है और प्लस 2c2 किसके बराबर होगा 1 के, ये और ये दोनों बराबर होंगे, क्लियर है ना। तो कितना हो गया 2 और 1 3 और 1 4 4 आ गया, क्लियर 4 आ गया। अब देखो हमारा फाइनल आंसर क्या था, ये था 2 की पावर n इक्वल टू क्या पुट कर रहा है 2, तो क्या पुट कर दूं 2 तो कितना आ गया 4, तो 4 इक्वल टू 4 के बराबर आ गया, नहीं है क्लियर है ना। ये 4 हमारा इसको लेफ्ट हैंड साइड 4 थी, राइट हैंड साइड 4 आ गई, अब इनमें भी पुट करके देखोगे बिल्कुल सही आएगा। अब देखो ऑप्शन, अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं, इवन कैसा भी क्वेश्चन हो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। अब देखिए द वैल्यू ऑफ इस क्वेश्चन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, सी वन डिवाइडेड बाई टू प्लस सी थ्री डिवाइडेड बाई फोर सी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव, डेट एड्रेस आगे तक दे रखा है सी सेवन सी नाइन और टर्म है 1 3 5 देख रहे, लेकिन नीचे क्या है 2 4 5, क्लियर है, 2 से स्टार्ट किया 2 4 5 2 4 6 क्या होगा ये 2 4 6 आपको क्या दे रखा है सी वन टू सी वन फोर और सी फाइव, क्लियर है ना 6। अब देखो शॉर्टकट क्या लगाना है इसमें, सिंपल शॉर्टकट क्या रखेंगे एन इक्वल टू n = 2 पुट कर दूं तो क्या होगा, एक तो मैं इसको ले सकता हूं क्या आ जाएगा 2c1 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है, दूसरा अब देखो प्लस करके 2c3 डिवाइडेड बाय 4 ये ले सकता हूं, n छोटा r बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, ये रूल कंडीशन की खराब बिल्कुल फॉलो नहीं करती इस चीज को, हमारे सिर्फ एक ही चीज रहेगा ये वाला कंडीशन अगर 2 में लेते, अब देखो इसमें क्या आएगा 2c1 सिंपल 2 के बराबर होगी डिवाइडेड बाय क्या है 2c1 हमेशा किसके बराबर रहती है 2 के बराबर रहेगी और 2 से 2 कितना आ गया आंसर 1, किसके बराबर आ रहा है 1। अगर ऑप्शन में क्या करेंगे सेम एज क्या करेंगे हम ऑप्शन में पुट कर देंगे n = 2, अगर किसके बराबर आ जाएगी जो ऑप्शन 1 के बराबर होगा उसको क्या बोल देंगे हम कि हां हमारे क्या है फाइनल आंसर है, क्लियर, ऑप्शन चेक कर लेंगे। अब देखो पहला ऑप्शन चेक करो, ये क्या कह रहा है 2 मैंने पुट किया है 2 + 1 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 हो गया लेकिन ये 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, ये क्या पुट बंद कर रहा है नहीं कर। अब देखो यहां 2 2 2 = 4 4 - 1 यहां क्या हो जाएगा 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी 1, ये क्या कर रहा है फाइनल आंसर हो, क्लियर है ना, ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए हो गया। आगे भी चेक कर लीजिए अगर आपको नहीं लग रहा है, देखो यहां माइनस हो जाएगा, यहां तो 3 था यहां 2 रह जाएगा, यहां फिर क्या हो जाएगा आगे होता ही रहेगा, अब देखो 2 2 = 4 और 3 4 / 3 हो जाएगा, अब चेक कर लोगे हमारा बी ही ऑप्शन सही होगा और इसका आंसर भी बी ही सही है। तो शॉर्टकट सेम अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, चलो मैं दो क्वेश्चन और करा के दिखा देता हूं या एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी हो, और कैसे भी क्वेश्चन दिया हो कुछ भी दे रखा हो आप सिंपल एम पर जो पुट कर देना आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अभी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं मुझे और दोनों क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या है c1 माइनस का 2c2, ये जो 2 क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 3c3 माइनस का 4c4, ठीक है, अल्टरनेट में माइनस भी आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करेंगे कुछ नहीं चेक करना क्या है इजीली क्या कर देंगे n = 2 कुछ नहीं करना आपको पुट कर देना है n = 2 सॉल्व कर लीजिएगा पुट n = 2 क्या हो जाएगा 2c1 सिंपल ये तो रहेगा माइनस का 2 * क्या होगा 2c2 क्लियर है, आगे तो रहेंगे नहीं सिंपल सी बात है 3 आगे नीचे वाला दो ही डिजिट रहेंगे तो 2c1 क्या हो जाएगा 2c1 तो 2 के बराबर रहेगा सॉल्व करके देख लेना इजी है माइनस का अब देखो 2c2 सेम रहेगा तो इसके 1 के बराबर रहेगा और ये 2 तो माइनस करेंगे और 2 तो क्या होगा 2 में से 2 गया 0 आपका क्या आंसर आ गया 0 क्लियर है ना, आपका इसका आंसर क्या है 0 सी ऑप्शन सही है 0। आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं या फिर एक दो ऑप्शन में लगा के देख सकते हैं, अगर 2 पुट करेंगे तो कितना हो गया 2 में से कर गया 1 2 आंसर आ जाएगा इसका, इसमें से 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 2 कुछ पावर में आएगा 2 = 4 हो जाएगा, इसका भी कुछ ना कुछ आ जाएगा आप देख लेना। देखो यहां आप ऐसा कहना चाहते हो 0 हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है 2 - 2 0, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या आता है उसका आंसर 1 आता है, कोई भी नंबर है कुछ भी है उसकी पावर 0 होगी तो क्या 1 आएगा यानी 2 * 1 यानी 2 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0। अब सिंपल इसका आंसर क्या लिखोगे 0 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वैल्यू ऑफ
C0 plus C2 divided by 3 plus C4 divided by 5. आगे चलता जाएगा. इन क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, सिंपल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे शॉर्टकट लगा दोगे, n equal to 2 पुट कर दोगे. अब देखो n equal to 2 पुट करवाना है, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा NC0, क्लियर. n के लिए पुट क्या कर रहा हूं, n equal to 2 2 पुट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 2C0 ओके प्लस ये क्या हो जाएगा 2C2 डिवाइडेड बाय 3. ये क्वेश्चन रहेगा ना, आगे हमें लिखना नहीं क्योंकि 4 आ गया नीचे, सिंपल 2C0 के लिए 1 हो गया प्लस, क्लियर. 2C2 क्या हो जाएगा 1, दोनों देखो 2C0 भी 1 होता है और 2C2 भी 1 होता है, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 3, क्लियर. अब देखो ये इधर चला जाएगा 3 प्लस 1 4 4 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर क्या है 4 बाय 3. अब सॉल्व करके देख लेते हैं, 2 की पावर क्या रखेंगे 2 यानी 4, और इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, यानी ऑप्शन पहला ही सही है इसका, तो आप सीधे डायरेक्ट आंसर लिख दोगे इसका. पर आगे चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लेना. आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले आप सॉल्व कीजिए, अगर जो भी समझ में नहीं आता मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए मुझे उस क्वेश्चन को, मैं आपको सॉल्व करके आपको या तो क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दूंगा. ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये ट्रिक समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लें आप, मैं सारे वीडियो कमेंट करते हैं मुझे उसमें बता दूंगा, या फिर मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा. जो भी क्वेश्चन नहीं आते क्वेश्चन नंबर बोल दें मुझे, तीनों बुक में से कोई सा भी क्वेश्चन मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बनाते हैं, उनको लिख लूंगा आपको और एक साथ सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, क्लियर है ना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें चैनल को.